हेलो दोस्तों, मैं एसके राय स्वागत करता हूं आपका मैथ के इस वीडियो में। दोस्तों, आज से हम कॉम्पिटेटिव क्लास मैथ का जो है चलाएंगे। आप धैर्य से देखिएगा, घबराने की जरूरत नहीं है। एक एक पॉइंट हम आपको बेसिक पॉइंट भी बताएंगे, ट्रिक भी बताएंगे। जो भी टाइप से क्वेश्चन आते हैं, प्रत्येक टाइप का पहले समझाएंगे बेसिक, उसके बाद उससे संबंधित प्रश्न बनाएंगे और एकदम आसान तरीका बताया जाएगा। कितना हार्ड से हार्ड प्रश्न भी आप आसानी से बना सकते हैं, ऐसा आपको बताया जाएगा। तो आज जो पहला दिन है इसमें हम स्टार्ट कर रहे हैं टाइम एंड वर्क चैप्टर। इसमें आप जानते हैं कि बहुत सारा प्रश्न प्रत्येक एग्जाम में, कंपिटेटिव एग्जाम में जो है, इससे प्रश्न आते ही हैं। एक दो प्रश्न आते ही हैं, अगर एसएससी देख ले तो उसमें तो 25 प्रश्न में एक प्रश्न रहता ही है। और ऐसे ग्रुप डी वर्क दे दिए होंगे एग्जाम तो देखे होंगे, बहुत से 2 से 3 क्वेश्चन था टाइम एंड वर्क से। तो टाइम एंड वर्क हम आज स्टार्ट करते हैं। टाइम एंड वर्क में समझने की जो कुछ जरूरत चीज़ें हैं, उसको पहले हम लोग समझते हैं बेसिक चीज़ों को। इसमें काम, समय और क्षमता, ये तीन चीज को ध्यान से समझना है। पहले कोई काम होता है, कुल काम कितना हुआ, समय कितना लगता है, उसकी क्षमता क्या है। ये तीनों पॉइंट को कहां पर वर्क लिखा हुआ है, कहां पर काम लिखा हुआ है, कहां पर समय लिखा हुआ है और कहां पर क्षमता लिखा हुआ है, ये चीज जब तक हम नहीं समझेंगे तब हम टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन नहीं बना सकते हैं। सबसे पहले हमको यह समझना पड़ेगा कि काम कहाँ पर लिखा हुआ है, समय कहाँ लिखा हुआ है, क्षमता कहाँ लिखा हुआ है। तो इसको पहले हम लोग समझते हैं। जैसे कि अगर मान लिया जाए कि कोई व्यक्ति है, एक व्यक्ति किसी काम को अगर एक्स दिन में करता है, कोई व्यक्ति किसी काम को एक्स दिन में करता है, मतलब कोई भी काम हो वह व्यक्ति जो है एक्स दिन में उस काम को कर देता है, तो ये इसका क्या हो गया कि यह पूरा काम को एक्स दिन में कर रहा है, समय हो गया इसके लिए कार्य को समाप्त करने का। यहां पर अगर इसकी देखिए तो एक घंटा में कितना कार्य करेगा, एक दिन में कितना काम करेगा। यदि पूरा काम जो है, टोटल वर्क जो है, टोटल वर्क यदि एक्स डेज में करता है, एक्स दिन में करता है, तो एक दिन में कितना कार्य करेगा, एक दिन में कितना कार्य करेगा, तो ये हो जाएगा कि 1/x वर्क। कितना कार्य करेगा, 1/ में एक्स काम कार्य करेगा। तो ये आपका वर्क हुआ, जहां तक ये देखिए ये आपका समय है, ये हमारा क्या है वर्क है, ये हमारा काम है, ये हमारा क्या है समय है। समय को हम डायरेक्ट नहीं घटा सकते हैं। जैसे समझिएगा, अगर कहा जाए कि ए एक काम को 5 दिन में करता है, बी किसी काम को 4 दिन में, तो दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, तो 5 4 9 दिन, ऐसा नहीं कर सकते हैं। मतलब समय को हम डायरेक्ट ना तो जोड़ सकते हैं ना घटा करके आंसर बता सकते हैं, लेकिन हाँ हम वर्क को जोड़ सकते हैं, वर्क को जोड़ और घटा सकते हैं, साथ में क्षमता को भी, हम आगे बताएंगे आपको किस तरह से होगा। तो यहाँ समझ में आ गया कि टोटल वर्क यदि एक्स डेज में होता है तो एक डेज में कितना काम होगा, तो 1/x काम होगा। ये इस तरह से आप यह भी समझ सकते हैं, एक दिन का अगर मान लिया जाए कि कोई व्यक्ति जो है 5 रोटी मान लिया जाए, 5 रोटी 1 घंटा में खाता है, 1 घंटा में यदि 5 रोटी खाता है तो 3 घंटा में कितना रोटी खाएगा, तो ये गुना हो जाएगा 15 रोटी हो जाएगा। तो ये 1 घंटा में जो इसका काम आया, 1 घंटा में ये कितना रोटी खाने का काम कर रहा है, 5 रोटी, वही 3 घंटा में कितना रोटी खाएगा, 15 रोटी खाएगा। तो एक बात समझिएगा पहले यहां पर कि ये जो हम आप लिखे आपको वर्क लिखे हैं, एक दिन का वर्क, ठीक ना, यहां पर आप ये समझ गए इसको वर्क, ये टाइम क्या हो गया, काम हो गया ये,
वर्क हो गया, कितना काम हो गया, तो एक बटा एक्स काम हो गया, ये डेज हो गया। अब समझिएगा क्षमता, तो यही जो एक दिन का किसी व्यक्ति द्वारा एक दिन का जो काम किया जाता है, एक दिन में जितना काम कोई व्यक्ति कर सकता है उसी को क्या बोलते हैं, क्षमता बोलते हैं उस व्यक्ति का। तो ये इस व्यक्ति का जो व्यक्ति एक्स दिन में इस कार्य को कर रहा है उस व्यक्ति का क्षमता जो हो जाएगा वह हो जाएगा 1/x हो जाएगा। क्षमता क्या हो जाएगा, 1/x हो जाएगा। हम ऐसा भी कह सकते हैं कि क्षमता बराबर जो हो जाता है 1/समय, एक बटा में क्या हो जाएगा, समय हो जाएगा, या फिर समय बराबर कहेगा तो 1/ क्षमता हो जाएगा यहाँ पर। तो जब भी क्षमता निकालना होता है तो हम एक घंटा में उस व्यक्ति द्वारा कितना कार्य किया जा सकता है इस चीज की हम लोग पहले जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि टोटल वर्क यदि एक्स दिन में होता है तो एक दिन में कितना काम होगा, 1/x काम हो जाएगा। क्षमता की चर्चा करें तो ये डेज दो है उसको उलट देंगे अगर समय को, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, क्षमता हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात हम आपको बताएं कि ये जो दिन जो होता है, समय जो होता है, टाइम, ठीक ना, इसको हम डायरेक्ट ना तो जोड़ सकते हैं और ना घटा करके आंसर दे सकते, जैसे कि हम अभी तुरंत आपको बताए थे। तो एक पॉइंट आप याद रखिएगा, लिख लीजिएगा कि यदि कोई व्यक्ति एक काम को एक्स दिन में करता है, हमारा पहला पॉइंट यही हुआ कि यदि कोई व्यक्ति एक काम को एक्स दिन में करता है तो वह व्यक्ति एक दिन में 1/x काम करेगा। इतना बात ध्यान रखना है कि कोई व्यक्ति अगर किसी काम को, टोटल वर्क को अगर एक्स दिन में करता है, एक दिन में कितना काम करेगा, तो 1/x काम करेगा। अगर कोई व्यक्ति एक दिन में, यहाँ पर आगे हम लोग समझते हैं, फिर ये समझ में आ गया, इसको नोट कर ले, जो भी पॉइंट बोले हैं उसको पॉइंट बना करके और नोट कर लेना है। अब हम देखते हैं, यदि हम कहें कि कोई व्यक्ति जो है 1/ पी भाग, किसी काम का 1/ पी भाग यदि एक घंटा में करता है, एक घंटा में करता है या एक दिन में करता है, तो टोटल भाग, एक भाग कितने दिन में करेगा, तो एक भाग इधर आएगा तो पी घंटा में करेगा। अगर एक भाग 1/ पी भाग को है, किसी व्यक्ति जो है किसी वर्ग के 1/ पी भाग को एक घंटा में करता है, तो एक भाग टोटल वर्ग को कितने घंटा में करेगा, पी घंटा में करेगा। तो ये बात जो है आप ध्यान रखिएगा। तो ये दो पॉइंट अब यहाँ पर क्या लिखेगा, जैसे हम इससे पहले बोले थे कि कोई व्यक्ति टोटल वर्क को यदि एक दिन में करता है तो एक दिन में 1/x काम करेगा, और अब लिखिएगा यदि कोई व्यक्ति किसी वर्क के 1/ पी भाग को एक घंटा में करता है तो एक भाग को पी घंटा में समाप्त कर देगा। तो ये चीज आपको जानकारी रख लेना है। अब हम लोग जो है यहाँ पर कुछ प्रश्न को समझने का प्रयास करते हैं, पहले प्रश्न के माध्यम से, जब ये समझ गए दोनों पॉइंट से संबंधित क्वेश्चन भी आते हैं, अब बहुत सारा ट्रिक भी देखते हैं, लेकिन हम जो आपको बताएंगे वह तरीका अपनाना है और आप बेस्ट करके रहिएगा। अगर जैसे जैसे हम आपको बताते हैं वैसे आप अगर करते हैं, तो जैसे अगर हम मान लेते हैं क्वेश्चन हम बोलते हैं, जैसे मान लिया जाए कि ए कोई व्यक्ति है, ए व्यक्ति किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त करता है, ए व्यक्ति किसी काम को 12 दिन में समाप्त करता है, उसी काम को बी जो है 18 दिन में समाप्त करता है। ध्यान रखना है कि ए व्यक्ति जो है किसी काम को 12 दिन में समाप्त करता है, बी व्यक्ति जो है उस काम को कितने दिन में समाप्त करता है, 18 दिन में करता है। अब प्रश्न पूछा जाएगा कि दोनों मिल करके उस काम को कितने समय में समाप्त कर देगा। इसे बहुत आसान प्रश्न है, पहला टॉपिक यही है और बहुत ही आसान प्रश्न है, आप लोग बना भी लेते होंगे, लेकिन ये नहीं देखना चाहिए बनाने आता है, फिर भी आप देखते चलिए बारीकी से, कुछ ऐसे पॉइंट हम आपको बता देंगे भी जो हो सकता है आप नहीं जानते होंगे, इसलिए एक भी वीडियो को या बात को जो है स्किप नहीं करना है, बारी बारी से देखते चलिएगा। तो ए किसी कार्य को 12 दिन में करता है, बी उसी काम को 18 दिन में समाप्त करता है, तो दोनों मिलकर के उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। तो इससे पहले तो आप एक फॉर्मूला बहुत सारा आप जानते ही होंगे कि ए यदि किसी काम को एक्स दिन में करता है
बी उसी काम को वाई दिन में करता है तो ए और बी मिलकर उस काम को कितने दिन में कर लेंगे। तो आप जानते हैं, हम अभी आपको बताए थे कि अगर हम फॉर्मूला निकालना चाहेंगे तो यहाँ से निकाल सकते हैं कि ए यदि किसी काम को एक्स दिन में करता है तो एक दिन में ए जो है कितना काम करेगा, एक दिन में ए जो है कितना काम करेगा, एक बटा एक्स काम करेगा। फिर एक दिन का बी जो है बी कितना काम करेगा तो एक बटा वाई काम करेगा। अगर हम दोनों को जोड़ दें तो वन बाई एक्स प्लस एक बटा में वाई, तो ये हो जाएगा एलसीएम ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा एक्स वाई, ऊपर चल जाएगा वाई प्लस एक्स, या हम कह सकते हैं एक्स प्लस वाई बटा में एक्स वाई। तो ये आपका हो गया एक दिन का कार्य। तो पूरा काम कितने दिन में करेगा तो टोटल वर्क कितने दिन में हो जाएगा, तो टोटल वर्क आप समझते हैं इसको रख देंगे एक्स वाई बटा में एक्स प्लस वाई। तो ये फॉर्मूला आप डायरेक्ट याद करके रटते भी होंगे और रटे भी होंगे और क्वेश्चन बनाते भी होंगे। तो टोटल वर्क बराबर जब दो व्यक्ति दिया होता है, एक व्यक्ति x दिन में और दूसरा व्यक्ति y दिन में कार्य करता है, तो डायरेक्ट आप बना देते हैं a और b दोनों मिल करके टोटल वर्क को कितने दिन में करेंगे तो एक्स वाई बटा में एक्स प्लस वाई दिन में करेंगे, और ये बेहतर भी है। लेकिन हम लोग एक और नियम से एलसीएम विधि से सीखेंगे। एलसीएम विधि सीखने से क्या होगा कि अभी से अगर आप अभ्यास कीजिएगा एलसीएम विधि से तो आगे चल के और सारा जो हार्ड प्रश्न है उसको बनाना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो आप तो अभी तक रटे होंगे ये फॉर्मूला कहाँ से आया, ये आप समझ गए होंगे अब जिस तरह से ये फॉर्मूला आया होगा। अब यहाँ पर समझने का प्रयास कीजिए, यहाँ पर ए और बी मिलकर कितने दिन में काम को करेगा। अगर हम ये फॉर्मूला लगाते हैं तो ए और बी जो है कितने दिन में करेगा, बहुत आसान बात है एक्स वाई बटा में एक्स प्लस वाई, तो 12 गुने 18 बटा में 12 प्लस 18। आप तो एग्जाम में डायरेक्ट इसको लिखने की जरूरत नहीं, आप तो जोड़ करके डायरेक्ट एग्जाम में लिख लीजिएगा 12 गुने 18 बटा में 12 और 18 कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 30, अब इसको हम काट देंगे आसानी से 6 5 30 6 3 18, तो 12 36 बटा में 5 तो हो जाएगा 7 पूर्णांक 1/5 डेज। तो दोनों मिलकर के इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर देगा, तो 7 पूर्णांक 1/5 दिन में दोनों मिलकर के इस कार्य को समाप्त कर देगा। तो ये तो आप समझ गए होंगे, ये हम इस विधि पर बता दें। लेकिन आगे समझिए अब बनाना कैसे, आप ऐसे भी बना सकते हैं लेकिन आपको आदत डाल लेनी है कैसे बनाने का। तो ए किसी कार्य को करता है 12 दिन में, बी किसी कार्य को करता है 18 दिन में। कुछ नहीं कीजिए, आप इसका एलसीएम ले लीजिए। हम एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा इसका 36। एलसीएम लेना बहुत ही आसान है, आप जो बड़ा अंक है उसका पहाड़ा पढ़िए और जो दोनों में कट जाएगा वही लिख लीजिएगा, ज्यादा एलसीएम निकालने की जरूरत नहीं, पहाड़ा पढ़िए अपने आप एलसीएम आ जाएगा। तो 18 गुणे 36 हो गया, 12 से भी कटेगा 18 से भी कटेगा। अब ये 12 है ये 18 है, ये कुल काम हो गया। जैसे आप एलसीएम निकालिएगा ना ये आप टोटल वर्क आपका हो जाएगा, ये आपका हो गया टोटल वर्क। अब ये टोटल वर्क हो गया तो ये जो है एक दिन में 12 काम करते, ये जो है एक दिन में कितना काम करेगा 3 काम करेगा। ए एक दिन में 3 काम करेगा, बी एक दिन में कितना काम करेगा तो 2 काम करेगा। अब दोनों मिल करके एक दिन में कितना काम करेगा 5 काम करेगा। यहाँ ए एक दिन में 3 काम करेगा, बी एक दिन में 2 काम करेगा, तो ए और बी दोनों मिल करके एक दिन में जो है कितना काम करेगा तो 5 काम करेगा। ये हम आपको समझने के लिए लिख रहे हैं, इतना बड़ा हिसाब जाता भी नहीं है। तब दोनों मिल करके पूरे काम को कितने दिन में करेगा, टोटल वर्क हम यहाँ पर आपको बता दें कितना है 36। तो टोटल वर्क हो गया 36, तो ए और बी मिल करके टोटल वर्क को कितने दिन में समाप्त करेगा तो 36 बटा में 5 मतलब 7 पूर्णांक 1/5 दिन में। तो ये आपका हो गया, आप देख सकते हैं यहाँ पर जो आंसर था वही आंसर यहाँ पर भी है। ये जब हम बनाएंगे तो डायरेक्ट इतना लिखेंगे 3 2 5 और 36 बटा में 5 करके और डायरेक्ट आंसर हम लिख सकते हैं। तो ये आप समझ गए होंगे, ये विधि आप समझ गए होंगे, ये विधि भी आप समझ गए होंगे। लेकिन अब प्रयास करना है कि इसी विधि पर बनाए ताकि आगे चल करके आपको जो है प्रश्न बनाने में बहुत ही कम कठिनाई होगा। बड़ा बड़ा प्रश्न जो है आपको हम इसी विधि पर बताएंगे और बहुत एकदम आसान तरीका रहेगा, देखते और आप आसानी से बना सकते हैं। तो ये आप समझ गए होंगे कि ये फॉर्मूला पहले रटे होंगे लेकिन अब समझ गए होंगे कि कहाँ से ये फॉर्मूला आया, इस पर संबंधित हम आपको एक प्रश्न भी बता दिए हैं।
अब आगे जो है हम इसको देखते हैं, पहले इसको नोट कर लीजिएगा फिर हम आगे इसके देखते हैं। तो अभी आप समझ गए होंगे जब दो व्यक्ति का कार्य दिया समय दिया हुआ रहेगा कहेगा दोनों मिलकर कितने दिन में करेगा। इसी तरह से मान लिया जाए कि तीन व्यक्ति का दे देगा, जैसे मान लिया जाए कहेगा ए किसी काम को एक्स दिन में करता है, एक्स के लिए हम कुछ अंक ले लेते हैं, 12 दिन में करता है। बी उसी काम को कितने दिन में करता है, 15 दिन में करता है। और सी किसी काम को 18 दिन में करता है, या इस छोटा अंक लेते जाए ठीक है ये 18 दिन में करता है। अब ध्यान दीजिएगा तीन को वाला जैसे ही हम उस तरह बनाए थे कि ए एक्स दिन में काम करता है, बी वाई दिन में काम करता है, सी जेड दिन में कार्य को समाप्त करता है, तो आप समझ गए होंगे कि एक दिन में जो है ए कितना कार्य करेगा, एक दिन में ए कितना कार्य करेगा तो एक बटा एक्स काम करेगा, वर्क हो जाएगा। ये आपको समझाए थे कि वर्क कहां पर होगा, टाइम कहां होगा, क्षमता कहां होगा, ये पहले समझना बहुत जरूरी है। एक दिन में फिर जो है बी कितना काम करेगा तो एक बटा वाई काम करेगा, फिर एक दिन में जो है सी कितना काम करेगा तो एक बटा जेड काम करेगा। इस तरह से आप यदि अब जोड़ देते हैं एक बटा एक्स प्लस एक बटा वाई प्लस एक बटा जेड, इसको जब हल कीजिएगा तो आ जाएगा वाई जेड, या डायरेक्ट हम बता देते क्या आ जाएगा एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स बटा में एक्स वाई जेड, ये आपका हो जाएगा। अब ये वर्क, ये क्या हो गया, वर्क हो गया, इतना काम करेगा, इतना काम करेगा एक घंटा में, टोटल काम कितना दिन में कर देगा, टोटल वर्क हो जाएगा एक्स वाई जेड बटा में एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। तो इस तरह से आप जो ये फॉर्मूला रटे होंगे, लेकिन ये फॉर्मूला कहां से बनकर आता है ये आप अभी समझ गए होंगे कि तीनों का एक घंटा का काम जोड़ देते हैं और फिर उसको समय में बदल देते हैं तो ये टोटल वर्क हो जाता है। तो उसी तरह से यहाँ पर दिया हुआ है, तो आप अगर इसको बनाना चाहेंगे तो टोटल वर्क कितने दिन में समाप्त हो जाएगा, समय अगर निकालना चाहेंगे तो इस फॉर्मूला को उपयोग कर सकते हैं, 12 × 15 × 18 बटा में फिर आप जाइएगा तो एक्स वाई मतलब 12 × 15 प्लस 15 × 18 और गुने 12 × 18 प्लस 12 × 18, फिर इसको गुना कीजिएगा और तब जाकर के काट करके आंसर बनाइएगा। और एक और हम बताए थे एलसीएम विधि कि ए यदि किसी काम को 12 दिन में करता है, बी किसी काम को 15 दिन में करता है, सी किसी काम को 18 दिन में करता है। तो हम बताए थे कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे, 12 है, 15 है, 18 है, 18 का पहाड़ा पड़ेंगे, 18 × 36 ये नहीं होगा, नहीं कटेगा ना, 94 × 90 लगभग 180 ले लेते हैं, 180 तो ये 12 से कट जाएगा, 12 से क्या मरता में कटेगा, 12 से 15 दा में कटेगा, फिर ये 15 से क्या दा में कटेगा, 12 दा में कटेगा, और ये 18 से क्या दा में कटेगा, 10 दा में कटेगा। बहुत ही आसान है, 12 15 18 का एलसीएम 180 हो जाएगा। अब ये 12 से जब भाग देंगे हम इसमें तो क्या मरता में कट जाएगा, 15 से, 15 से भाग देंगे तो 12 से, 18 से भाग देंगे तो 10 से, मतलब क्या हो कि ए एक दिन में कितना काम करेगा, 15 काम करेगा, बी कितना काम करेगा, 12 काम करेगा, सी कितना काम करेगा, 10 काम करेगा। तो तीनों मिल करके जो है इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर देगा, तो आप समझ लें टोटल वर्क कितना है, बताए थे टोटल वर्क बटा में तीनों का एक दिन का करें तो 15 और 12 कितना हो जाएगा, 27, 27 और 10 कितना हो जाएगा, 37। तो इतना दिन में जो है ये कार्य क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो आप समझ गए होंगे कि इसमें गुना करना फिर जोड़ना कितना हार्ड है जबकि ये कितना आसान है। इसलिए आप पहले जो अभी से ही जो है इस नियम का आदत डालिए, ठीक ना, और धीरे धीरे आकर के हम आपको ये इस नियम पर बहुत से हार्ड हार्ड प्रश्न पर जो है आसान सब कर देंगे बनाने, आप आसानी से उसको बना सकते हैं। आप देखे होंगे ग्रुप टू में बहुत हार्ड हार्ड क्वेश्चन इस बार था, सभी क्वेश्चन को हम आसानी से आपको बता देंगे और दूसरा तरीका भी बताएंगे, और तरीका है वो तरीका से भी आपको बताएंगे बहुत ही आसान, जो इस तरीके पर बनेगा उसको इस तरीके पर बनाएंगे और जो दूसरा तरीका पर बनेगा उसको उस तरीके पर बनाएंगे। तो आज आप समझ गए होंगे कि किस तरह से अगर किसी आदमी का अगर तीन व्यक्ति या दो व्यक्ति का समय दिया हुआ हो तो किस तरह से हम इसको निकालेंगे से। तो ये आपका रहा।
इसका जो है आगे की ओर कल हम लोग अगला नियम बनाएंगे, फिर इससे संबंधित जो है आगे चलेंगे जो कि क्षमता से थोड़ा संबंधित प्रश्न ले लेंगे, लेकिन आपको एक एक करके वीडियो बताया दिया जाएगा, ठीक ना। इसके लिए धैर्य से डेली वीडियो देखिए, आपके लिए डेली एक वीडियो अपलोड हो जाएगा, ठीक ना। और लाइक सब्सक्राइब भी करें, और हो सके जितना से ज्यादा हो सके अपने दोस्तों के भी शेयर करें ताकि उनको भी इस वीडियो का लाभ मिल सके। धन्यवाद।